नमस्कार, मैं हूं जम्मू जिला ब्यूरो चंद्रदेव बनवाल। आप देख रहे हैं जेबीजे न्यूज़ 24। दर्शकों, जम्मू जिला अंतर्गत सोनो प्रखंड क्षेत्रों में जल स्रोत का एकमात्र नदी बरनार है। इस नदी से संवेदक के द्वारा बड़े बड़े पोपलिन और जेसीबी वाहनों के द्वारा 20 से 30 फीट तक गहराई कर अवैध बालू का उत्खनन किए जाने के कारण नदी के किनारे बसने वाले लोगों में काफ़ी आक्रोशित की भावना उभरने लगी है, जिसे लेकर जम्मू जिले के सोनो प्रखंड अंतर्गत बहने वाली बरनार नदी के किनारे बसने वाले लोगों द्वारा लगातार बालू उठाव को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में बालू उत्खनन को रोकने के लिए मंगलवार को प्रखंड प्रमुख श्रीमती शीला देवी एवं सोनो पंचायत के मुखिया श्रीमती रेखा देवी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में ग्रामीण उमरपड़ा और सोनो बाजार से सटे बरनार नदी के घाट पर एकत्रित होकर जन आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। इसके बाद लोगों ने विशाल जुलूस निकालकर सोनो बाजार के रास्ते गोविंद सिंह चौक बस स्टैंड, सोनो थाना के रास्ते प्रखंड मुख्यालय सोनो पहुंचे, जहां पर विकराल रूप धारण कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बालू उठाव को रोकने की मांग करते रहे। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ आंदोलन का रूप अख्तियार किए लोगों के पास, साथ ही दिखाता हूँ जुलूस में शामिल लोगों को तथा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे लोगों ने बालू उत्खनन को रोकने के लिए क्या कहा। ध्यान से सुने। इसके पूर्व आप सबों से एक निवेदन है कि इस खबर को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। तूने आगे बढ़ जाइए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलिए ये बढ़ में लो। प्रतिनिधियों के नेतृत्व में शांति मार्च जुलूस प्रखंड कार्यालय की ओर बढ़ रही है। इसलिए तमाम बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि हजारों हजार की संख्या में इस शांति मार्च में शामिल होकर इस संघर्ष को सफल बना दे। बंद करो, बंद करो। कि वो लोग कैसे हैं, किस मांग को लेकर के खड़े हैं, क्या हमारा मांग
गलत है। हमने मांग किया है कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लगाइए। अगर ऐसे बातों पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता हम लोग का, तो ये हमारे जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे संविधान के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम सीओ साहब से ये कहना चाहते हैं कि अभिलोक जो है, जो केस मुकदमा हम लोग के ऊपर किया गया है, जो लोगों पर किया गया, कुछ अज्ञात पर किया गया, उसको अति शीघ्र वापस लीजिए, बिना शर्त के वापस लीजिए। तभी हम समझेंगे कि आपने कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का काम किया है। अगर इस बात पर सिर्फ आश्वासन देते हैं तो हम समझते हैं कि उन नेताओं के साथ आप भी हम लोग के साथ छलावा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग छलावा में नहीं जाएंगे और हमारा एक ही बात है कि बालू उत्खनन का वेद हो रहा है उसको होने नहीं देंगे। हमारा घर का बालू बाहर नहीं जाएगा, अगर घर का बालू नदी से उठेगा तो हमारे घर तक ही सीमित रहेगा, बाहर ट्रकों से और हाईवा से जाने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हम एक हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। जान लीजिए कि यहाँ पर किसान आंदोलन का पुनरावृत्ति होगा। वो किसान आंदोलन पंजाब के किसानों ने दिल्ली का घेराव किया था और हम जम्मू का घेराव करेंगे, सोलों का घेराव करेंगे और कार्यालय को चलने नहीं देंगे। जितना केस करना होगा आप करके दिखाइएगा और हम भी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी देश में रहने वाले लोग हैं, गांधी के विचार को मानने वाले लोग हैं और यह देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ युवा हमारे खड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भगत सिंह को भी मानने वाला हूँ और भगत सिंह हमारे देश के नायक थे और उन्होंने कहा कि अगर ये संसद, यहाँ पर पार्लियामेंट, यहाँ के विधानसभा अगर हमारी बात को विधानसभा में नहीं सुनते हैं तो हमें सड़क पर आकर इसका प्रतिरोध करना होगा और इसे मुकम्मल जवाब देना होगा। साथियों, यहाँ के बाद ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बाद हम लोग तमाम लोग एक बार फिर से मीटिंग करके और छठ पूजा जो अभी महापर्व आने वाला है इसके बाद तुरंत ही हम लोग बैठक करके अनिश्चितकालीन आंदोलन के और चक्का जाम का कॉल देंगे। इसी के साथ तमाम लोग यहाँ पर, जो बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर महिलाएं आए हुए हैं, यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, तमाम लोगों को एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम। और ये जान लीजिए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये बात कहना चाहता हूँ कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता की हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इनकलाब के नारों से ये इनकलाब आएगा। इसी के साथ तमाम लोगों को क्रांतिकारी धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। Thank you.